हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी फ्लेवर्स। आज मैं आपके साथ आपके नन्हे मुन्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बेबी के लिए बनाने वाले हैं क्विक लंच और डिनर रेसिपी। ये बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा उसके वज़न को बढ़ाने के लिए। अगर आपका बच्चा दुबला पतला कमज़ोर है और आपका बच्चा मोटा नहीं हो पा रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इससे बेबी का वेट भी बढ़ेगा और बेबी हष्ट पुष्ट भी रहेगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हेल्दी से रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम इसके लिए ले लेंगे एक फ्रेश चपाती, और ये हमने घी लगा हुआ चपाती लिया है। आप चाहें तो पराठा भी ले सकते हैं या फिर इस टाइप से रोटी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद हम इसे एक बाउल में डाल देंगे, और इसे बाउल में डालने के बाद हम इसमें गर्म दूध को डाल देंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा गर्म दूध लिया है और गर्म दूध हम इसके अंदर डाल देंगे। उतना डालना जितने में ये रोटी अच्छे से भीग जाए, और अब इसे हम ढक कर रख देंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे जिससे ये अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ मैंने ढक दिया इसे, और अब ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ हम इसे देखिए ये अच्छे से 5-7 मिनट में अच्छे से फूल जाएगी। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ मैंने इसमें ये मिल्क और चपाती को डाल दिया है। अब हम इसमें बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक और हेल्दी चीज़ ऐड करेंगे जिससे बेबी का वेट बढ़ने में मदद करेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे एक बनाना। तो यहाँ मैं केले को छील लेती हूँ, और बनाना बेबी को पसंद भी आता है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बनाना छील लिया है। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पीसेस करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने बनाना के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और पूरा बनाना हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप अपने बेबी को इस रेसिपी को लंच और डिनर दोनों में खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है बेबी के लिए और ईजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। चाहें तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं इसमें पानी की जगह। और अब इसका ढक्कन बंद करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए ये अच्छे से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में, और ये बेबी के लिए लंच और डिनर की इजी सी रेसिपी आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें आधी चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। तो अब ये हेल्दी सी रेसिपी बेबी के लिए तैयार है खाने के लिए। तो ये रेसिपी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और ये रेसिपी आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं लंच और डिनर दोनों में। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी मिली, कैसी लगी।